नमस्कार बच्चों, स्वागत है आज की कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा छठवीं इतिहास खंड से अध्याय 7, जिसका शीर्षक है मौर्य वंश और राजा अशोक। ये जो नाम मैं आपको बता रही हूँ, इस नाम से आप थोड़ा ना थोड़ा परिचित हैं। कैसे? ये आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है, देखिए। ये चित्र आपने कहीं देखा है? सरकारी कागजों में जरूर आपने इस प्रकार का चित्र देखा होगा, और तो और नोट के ऊपर भी आपने ये चित्र देखा होगा। तो बच्चों, ये चित्र है अशोक चिन्ह। ये हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, है ना? तो इस अशोक चिन्ह में आपको दिखाई दे रहे हैं चार शेर। एक शेर तो पीछे हो गया है, तीन शेर आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपको एक घोड़ा और एक बैल और बीच में एक चक्र भी दिखाई दे रहा होगा। हाँ, सही पहचाना आपने, ये चक्र वही है जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में है। इसमें कितनी शलाकाएँ हैं? 24 शलाकाएँ। ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये रचना जहाँ से ली गई है, उस स्तंभ को बनवाया था राजा अशोक ने, और वो थे मौर्य वंश के। तो आज हम वही पाठ पढ़ने जा रहे हैं, मौर्य वंश और राजा अशोक। तो देखें, ये हैं राजा अशोक, जो भारत में महान राजा के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ये हैं राजा अशोक। तो अशोक के बारे में जानने से पहले आइए देखते हैं मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई। मौर्य वंश की स्थापना, सबसे पहले नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य का। 322 ईसा पूर्व, अर्थात ईसा से 322 वर्ष पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की तरफ अपने साम्राज्य का विकास किया। उसने कई छोटे छोटे राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया सिकंदर के आक्रमण के बाद। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को भी चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था और उसकी पुत्री हेलेना से विवाह भी किया था। मित्रता की नीति अपनाई थी, है ना? मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ये प्रसिद्ध लेखक था और इसने एक पुस्तक लिखी, इंडिका, और इस पुस्तक में भारत का वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त की माता का नाम था मुरा, और इसी नाम के कारण इस वंश का नाम पड़ा मौर्य। तो ये था मौर्य वंश। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था इन्होंने, और इनके गुरु थे प्रसिद्ध चाणक्य। मगध के राजा घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को भी हराया था, ये तो मैंने आपको अभी बताया ही है। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, और मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। उसमें उस समय के भारत का वर्णन किया। और चाणक्य ने क्या लिखा? इन्होंने लिखा अर्थशास्त्र। ये बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है बच्चों। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार राजा बने। 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व के बीच इन्होंने शासन किया। बिंदुसार ने दक्षिण भारत के ऊपर विजय पाई। इनका एक और नाम मिलता है अमित्रघात। बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। इन्होंने 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के लगभग शासन किया था। ये बहुत बड़े योद्धा और वीर राजा थे, पराक्रमी थे। जब इन्होंने कलिंग नाम के जनपद पर आक्रमण किया, तब उसे युद्ध में बुरी तरह पराजित किया और वहाँ को जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। लेकिन युद्ध में मारे गए लोगों की दुर्दशा, पराजित बंदियों, इन सब को देखने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध छोड़ दिया और धर्म के रास्ते पर चलकर प्रजा के मन को जीतने का निश्चय किया। यद्यपि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन अशोक का धर्म क्या था? उसके धर्म में बहुत सारी नैतिक बातें थी बच्चों। सभी धर्मों का आदर करना तो कोई अशोक से सीखे। वो सबका आदर करता था, सभी धर्म के लोगों को दान भी दिया करता था।
अब उनके धर्म की विशेषता देखें तो वो धर्म काफ़ी सरल था, उसमें किसी प्रकार के कठिन कर्मकांड नहीं थे, व्रत उपवास और यज्ञ को भी कोई स्थान नहीं था। अहिंसा के पुजारी थे, परोपकार, शांति और उच्च मानव मूल्यों के उपासक थे। और हाँ, अशोक ने सभी को धर्म के माध्यम से नैतिकता की सीख दी थी। धर्म प्रचार के लिए भी अशोक ने बहुत कार्य किया। अशोक ने कई अभिलेख लिखाए, चट्टानों पर, गुफाओं पर और स्तंभों पर भी अपनी शिक्षाओं को प्रसारित करवाया, लिखवाया और जनता के बीच फैलाया। अशोक ने यूँ तो बहुत सारे अभिलेख लिखवाए जिनमें शिलालेखों की संख्या है 14, और ये शिलालेखों की प्राप्ति 7 स्थानों से हुई है, शाहबाजगढ़ी, मानसहरा, कालसी, गिरनार, सोपारा, धौली और जोगढ़। 7 लेख तो स्तंभों पर लिखे हुए हैं, उत्कीर्ण का मतलब है उकेरे गए हैं, जिसके कारण ये स्तंभ लेख के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये स्तंभ लेख दिल्ली, इलाहाबाद, लौरिया, अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा नामक स्थानों पर मिले हैं। कुछ लेख बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में मिले हैं और उनको कहते हैं गुफा लेख। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए अधिकारी की भी नियुक्ति की थी। इस अधिकारी को कहते थे धम्म महामात्र। धम्म महामात्र का क्या कार्य होता था? वो राज्य में घूम घूम कर नागरिकों को धर्म की और अच्छी बातों की शिक्षा दिया करते थे। बच्चों, हम यहाँ पर अशोक के कुछ प्रमुख अभिलेखों की चर्चा करेंगे। उनका शिलालेख क्रमांक 2, इसमें ये बात कही गई है कि हमें जानवरों के साथ हिंसा नहीं करना चाहिए तथा माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए और सभी धर्मों का समान भाव से आदर करना चाहिए। शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध के बाद अशोक के हृदय परिवर्तन की बात पता चलती है और अशोक के द्वारा धर्म विजय के संकल्प का भी पता चलता है। अशोक के अभिलेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया ताकि आम जनता अच्छे से समझ सके। और इनकी लिपि क्या थी बच्चों? ब्राह्मी लिपि। अशोक ने लगभग 40 वर्षों तक राज्य किया, तो जब उनका राज्याभिषेक हुआ था तब वो युवा ही रहे होंगे। अशोक ने बहुत सारे अभिलेखों में ऐसी जानकारी दी है जिससे उनके साम्राज्य का हमें पता चलता है। कौटिल्य, ये चाणक्य का ही नाम है, तो कौटिल्य के विवरण से ये पता चलता है कि अशोक के समय में दक्षिण के साथ व्यापार संबंध विकसित थे और अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। राजा अशोक ने कई ऐसे कार्य किए जिससे उनको महान राजा की पदवी दी गई है। वो सारे कार्य जनता की भलाई के लिए होते थे, जैसे सड़कों का निर्माण, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाना, धर्मशालाओं का निर्माण और अस्पतालों का निर्माण, और तो और यात्रियों के पीने के पानी की व्यवस्था पूरे रास्ते में करवाया। इस तरह अशोक ने प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। कई बार वो जनता के बीच भ्रमण करते थे और उनके सुख दुख की जानकारी लिया करते थे। राजा अशोक कला प्रेमी भी थे। उन्होंने जो स्तंभ बनवाए उन पर और जो मूर्तियां बनवाई उन पर भी अशोक की कलाप्रियता की छाप दिखती है, जो हमने सबसे पहले देखा था अशोक चिन्ह, याद है ना आपको? तो वो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, अर्थात सारनाथ नाम की जगह पे अशोक ने जो स्तंभ बनवाया है उस खंभे के शीर्ष पर, मतलब ऊपर ऊपर की जो बनावट है वहाँ पे 4 शेर हैं, जिसमें से एक शेर पीछे छुप जाता है ना, बैल, घोड़ा, अशोक चक्र, और उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, है ना? ये कहाँ से लिया गया है बच्चों? वाक्य मुंडक उपनिषद से, ठीक है? इस काल में जो मूर्तियाँ हैं वो भी हमें अशोक की कला का नमूना दिखाती हैं। आइए हम मानचित्र में देखते हैं अशोक का साम्राज्य कहाँ कहाँ फैला हुआ था। तो अशोक का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में पूरी तरह फैला हुआ था और दक्षिण में भी था, है ना? बहुत बड़ा राज्य होने के कारण इसे 4 भागों में बांटा था अशोक ने। तो उत्तर में है तक्षशिला और नीचे में क्या है? सुवर्णगिरी। पश्चिम में है उज्जैनी और पूर्व में क्या है? तोसली,
ये चार प्रांत थे बच्चों अशोक साम्राज्य के, और जो पाटलिपुत्र आपको नक्शे में दिख रहा है ये अशोक की मुख्य राजधानी थी। और ये जो चार जो स्थान मैंने बताए आपको प्रांतों के रूप में, इन प्रांतों में शासन कौन करता था? राजकुमार, जो अशोक के बच्चे थे वो यहाँ का कार्यभार देखा करते थे, और एक बहुत ही बढ़िया मंत्रिपरिषद इनके पास होती थी सहायता करने के लिए, और बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति भी अशोक के समय में की जाती थी। तो इनका शासन था बहुत ही सुंदर, सुव्यवस्थित। तो बच्चों, इस पाठ में हमने क्या देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, अशोक ने युद्ध का त्याग किया और अहिंसा, करुणा और शांति को अपनाते हुए धर्म के माध्यम से लोगों के मन को जीता। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका भेजा। तो अब आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ। पहला प्रश्न है, मौर्य वंश के राजाओं के नाम बताइए। मौर्य वंश के राजा हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। दूसरा प्रश्न, किस युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ? कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। तीसरा प्रश्न, अशोक ने धर्म प्रचार हेतु किस अधिकारी की नियुक्ति की? धर्म प्रचार हेतु अशोक ने धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की। चौथा प्रश्न है, धर्म का प्रचार प्रसार कैसे किया जाता था? और इसका उत्तर है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुफालेख के द्वारा धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता था। पांचवा प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो बच्चों, इसका उत्तर है, अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। अब बारी आती है गृह कार्य की। पहला प्रश्न है, भारत के मानचित्र में अशोक के साम्राज्य को चिन्हांकित करें। और दूसरा प्रश्न है, अशोक चिन्ह में आपको क्या दिखाई देता है? ऐसी वस्तुओं की सूची बनाएं जिनमें आपको अशोक चिन्ह दिखाई देता है। तो यहाँ हमारी क्लास होती है समाप्त। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।